नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने वो सारी खबरें लेकर जो कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चर्चा में है, काफी ज्यादा लोगों के बीच सुर्खियों का विषय बनी हुई है। और साथ ही साथ बिहार और पूर्वांचल से जुड़ी वो खास खबर जो कि इन दिनों लोगों के बीच चर्चे का विषय बनी हुई है। तो चलिए फटाफट बिना देर किए नजर डालते हैं उन खास खबरों पर और देखते हैं कि क्या चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में और बिहार और पूर्वांचल में। इन दिनों सोशल मीडिया पर खेसारी और निरहुआ के फैंस के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि खेसारी लाल यादव की फिल्म किसैया अरब गईले ना का नाम बदलकर अरब रख दिया गया और इसमें खेसारी काजल की जगह आम्रपाली और निरहुआ को कास्ट कर लिया गया। वहीं फिल्म अरब में खेसारी को कास्ट ना किए जाने की वजह से उनके फैंस इस फिल्म को ना देखने की बात भी कर रहे थे। तो वहीं इस बीच निरहुआ और खेसारी का भी अलग अलग बयान इस फिल्म को लेकर सामने आया और कई बार खेसारी निरहुआ के बीच मनमुटाव की खबरें भी आई, लेकिन वो सारी की सारी खबरें कहीं ना कहीं थोड़ी सी झूठी साबित हुई। लेकिन अब एक नई बात सामने आई है। दरअसल हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर रत्नाकर ने बताया कि खेसारी को हटाने और फिल्म में निरहुआ को लाने का प्लान हमने इसलिए किया क्योंकि जो रोल हम चाहते हैं वो फिल्म में सिर्फ और सिर्फ निरहुआ ही कर सकते हैं और उनके चेहरे पर वो चीज़ देखने को मिलती है, इसलिए हमने निरहुआ को कास्ट किया। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी कि खेसारी लाल यादव ने आम्रपाली दुबे को जन्मदिन के मौके पर बधाई नहीं दी, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें खेसारी लाल यादव, आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और शुभी शर्मा एक साथ काफ़ी मस्ती करते नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर आम्रपाली के परिवार वाले और बाकी के करीबी और दोस्त भी नज़र आ रहे हैं। बता दें कि इस दौरान खेसारी लाल यादव आम्रपाली और निरहुआ के साथ काफ़ी घुले मिले और खुश नज़र आए। बता दें कि खेसारी को लेकर खबर आ रही है कि उन्हें जन्मदिन पर उन्होंने बधाई नहीं दी थी, लेकिन बता दें कि खबरों से पता चला है कि खेसारी खुद आम्रपाली के जन्मदिन के खास मौके पर उनके पास जन्मदिन की शुभकामनाएं लेकर पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए बता दें इन दिनों खेसारी लाल यादव अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में हैं। तो वहीं हाल ही में आम्रपाली दुबे को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की विश ना देने की वजह से भी चर्चे में आ गए, लेकिन जिस तरह ये फोटो वायरल हो रही है इससे तो कहीं ना कहीं ये खबर झूठी साबित होती है। लेकिन बता दें आपको कि इस दौरान आम्रपाली और खेसारी लाल यादव ने काफ़ी मस्ती भी की साथ में और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कई चेहरे आम्रपाली के जन्मदिन पर नजर आए। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। इन दिनों फिल्म बब्बर की शूटिंग काफ़ी ज़ोरों पर है और हाल ही में सोशल मीडिया पर फिल्म बब्बर के सेट से कुछ वीडियोस और फोटोज़ वायरल हो रही हैं। बता दें आपको कि हाल ही में फिल्म बब्बर के सेट पर कल्लू और तनुश्री से बातें करते रिपीट कल्लू और तनुश्री मीडिया से बातें करते हुए नज़र आए और इस दौरान इस फिल्म के डायरेक्टर भी मौजूद थे। और इस दौरान जब फिल्म डायरेक्टर चंदन उपाध्याय से पूछा गया कि लगातार कल्लू के साथ आपने दो फिल्में बनाई, तो उन्होंने सवाल को काटते हुए कहा कि दो नहीं बल्कि तीन फिल्में बनाना है। बता दें आपको कि इससे पहले कल्लू दिलबर फिल्म शूट कर चुके हैं और उसके बाद फिल्म बब्बर की शूटिंग कर रहे हैं। तो वहीं तीसरी फिल्म का नाम उन्होंने बताया प्रयागराज, जिसमें कल्लू नज़र आने वाले हैं। आगे चंदन उपाध्याय ने बताया कि इसके पीछे की वजह ये है कि उनकी कल्लू के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादातर फिल्मों में वो कास्ट करना पसंद करते हैं। इस साल दोनों एक साथ ढेर सारी फिल्में साथ ही लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। हाल ही में फिल्म बब्बर के सेट से कुछ वीडियोस सामने आई हैं, जिसमें अरविंद अकेला कल्लू और तनुश्री एक दूसरे के बारे में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान तनुश्री ने बताया कि कल्लू पहले बहुत ही काले थे, लेकिन धीरे धीरे इनका रंग निखरता गया और अब ये गोरे ही होते जा रहे हैं। तो इस बीच तनुश्री कहती हैं कि इनका गोरापन बढ़ता हुआ देख हम हीरोइनें जलन के मारे काली होती जा रही हैं। बता दें कि ये मौका था कल्लू और तनुश्री के मजाक मस्ती का, जब ये दोनों मीडिया के सामने बातें करते हुए एक दूसरे की टांग खिंचाई करते नजर आए।
वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में कल्लू का काफी अलग अवतार देखने को मिलने वाला है और ऐसा कल्लू का कहना है कि इस फिल्म में वो ढेर सारा एक्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब फिल्म में क्या कुछ खास होने वाला है और फिल्म में लोगों को क्या खास देखने को मिलने वाला है वो तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि कल्लू की फिल्म किस तरह की बनी है और बाकी की फिल्मों से किस तरह अलग है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के युवा स्टार और स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू साल 2018 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर गाना पांडे जी का बेटा हूं के बाद एक बार फिर से सुपरस्टार चिंटू ने लोकप्रिय फीमेल प्लेबैक सिंगर इंदु सोनाली के साथ एक गाना गाया। ये गाना फिल्म नायक का है जिसके म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद हैं। बता दें कि बचपन से म्यूजिक के दीवाने चिंटू पांडे ने अपनी लाइफ का सबसे पहला गाना सुपरहिट फिल्म माई रे माई हमरा ऊहे लईकी चाही में गाया था जिसके बोल थे पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक कर लेता हूँ। ये गाना भोजपुरी में अब तक का सबसे बड़ा विवादित गाना रहा। उसके बाद एक बार फिर से चिंटू ने फिल्म नायक के लिए इंदु सोनाली के साथ मिलकर जुगलबंदी की है। चिंटू इन दिनों एक्टिंग, डांसिंग और एक्शन के बाद सिंगिंग में भी भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में छा जाने वाले हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी आने वाली हर फिल्मों में उनकी ही आवाज में 2-3 गाने होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चिंटू की गायकी का क्रेज इंडस्ट्री के निर्देशकों पर भी खूब देखने को मिल रहा है जो चाहते हैं चिंटू स्टारर अपनी फिल्म में चिंटू से ही गाने गवाए। इससे उनकी फिल्म के गाने हिट होंगे क्योंकि चिंटू के आवाज का जादू श्रोताओं के सर चढ़कर बोलता है। खबर ये भी है कि चिंटू पांडे का एक गाना हमार नाम हो चिंटू पांडे अब ही लागब तोह के काड़े इस फिल्म मंदिर वहीं बनाएंगे का ये गाना है। इसके अलावा ये वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर रजनीश मिश्रा के निर्देशन में फिल्म प्रेमगीत और छोटे बाबा के निर्देशन में फिल्म जीना तेरी गली में 2 में भी अपनी गायकी का जलवा बिखेरेंगे। चिंटू अब तक पांडे जी ट्रैक पर होली, कांवर और देवी गीत में भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में गाने के लिए कई म्यूजिक कंपनियां उन्हें अप्रोच कर रही हैं। इस बार तो होली पर उनके अलग अलग कंपनियों से कई सारे होली सॉन्ग भी रिलीज होने वाली हैं ऐसी खबर है जिसकी रिकॉर्डिंग भी चिंटू ऑलमोस्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी इंडस्ट्री के युवा स्टार स्टाइलिश स्टार अरविंद अकेला कल्लू की आने वाली फिल्मों का लोगों को बेसब्री से इंतजार तो है ही लेकिन अपने फैंस के लिए कल्लू एक से एक गाने लोगों के बीच लेकर आते रहते हैं। हाल ही में एक बार फिर से कल्लू ने एक ऐसा गाना रिलीज किया है जिसे सुनकर कोई शर्मा जाएगा तो कुछ लोग हंस देंगे क्योंकि ये गाना ही कुछ ऐसा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस पर आपको तभी यकीन होगा जब आप कल्लू के इस गाने को सुन लेंगे अपने कानों से। कल्लू के इस गाने के बोल हैं सखी मोट पियावा जिसे खुद अरविंद अकेला कल्लू ने गाया है। इस गाने को लिखा है रंजन अलबेला ने और अपने ही तरह उन्होंने इस गाने को भी बहुत अलबेला बना दिया है। इस गाने को म्यूजिक दिया है शंकर सिंह ने। कल्लू के ही ऑफिशियल चैनल से इस गाने को रिलीज किया गया है। इस 21 घंटे में इस गाने को सिर्फ 75,000 लोगों ने सुन लिया है, 1,800 लोगों ने लाइक किया है। गाने को सुनकर कोई कहता है एकदम मनजोग गाना है तो कोई कहता है कल्लू जी इसी तरह के गाने रिलीज करिए हमें बहुत पसंद है। तो आप भी सुन लीजिए ये गाना और सुनने के बाद कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। 11 जनवरी को इंडस्ट्री की लकी गर्ल खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा आम्रपाली दुबे का जन्मदिन था। आम्रपाली के हर जन्मदिन को स्पेशल मनाते हैं निरहुआ कोई ना कोई सरप्राइज देकर या कोई बड़ा गिफ्ट देकर। आप लोग जानते होंगे कि हर बार फिल्म के सेट पर निरहुआ एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे सितारे, तकनीशियंस और फिल्म मेकर्स भी नजर आ जाते हैं। तो इस बार भी आम्रपाली का बर्थडे ऐसे ही कैसे जाने देते निरहुआ। आप लोग तो जानते होंगे कि आम्रपाली ने अपने जन्मदिन के सुबह ही गरीबों में खाने पीने की चीजें कम्बल दान करके बहुत सारी खुशी और सुर्खियां बटोर ली। लेकिन शाम होते होते निरहुआ ने एक बार फिर से आम्रपाली को सरप्राइज कर दिया क्योंकि एक बर्थडे पार्टी रखकर निरहुआ ने सभी को इस पार्टी में निमंत्रण दिया था।
हालांकि कुछ लोग फिल्म की शूटिंग के कारण यहां पहुंच नहीं पाए, लेकिन दो इंडस्ट्री के सितारे एक साथ लंबे समय के बाद किसी पार्टी में शरीक होते नजर आए और वो सितारे थे इंडस्ट्री की मृगनयनी अक्षरा सिंह और इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जिन्हें देखने के लिए एक साथ दर्शकों की आंखें ना जाने कब से तरस रही हैं। लेकिन अफसोस, दोनों एक पार्टी में तो नजर आए लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ तस्वीर खिंचवाने से कतराते नजर आए। यानी जहां भी अक्षरा ने देखा कि कैमरा है, वहां वो कभी भी खेसारी के साथ खड़ी नहीं हुई और ना ही खेसारी ने भी अक्षरा के साथ कोई पोज दिया। इससे एक बात तो साफ है कि बेशक से दोनों एक दूसरे से दोस्ती का हाथ मिला चुके हों, लेकिन दोनों के दिल अभी भी पहले जैसे नहीं मिल पाए हैं। दोनों एक पार्टी में अब शरीक तो हो जाते हैं लेकिन गुफ्तगू करते बहुत कम नजर आते हैं। अब ये आलम तो तभी देखने को मिलेगा जब दोनों एक साथ एक फिल्म की शूटिंग करते नजर आएंगे। हालांकि दर्शकों का यह सपना और मन कब सच होता है, ये देखने का इंतजार सभी को रहेगा। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। फिल्मों में तो हर कोई हीरो का किरदार निभा सकता है, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है रियल जिंदगी में हीरो का किरदार निभाना, क्योंकि असली हीरो वही है जो हर जरूरतमंदों की मदद करे, जो दूसरों की नजरों में सुपर हीरो जैसा हो। कुछ ऐसी ही छवि बना ली है इन दिनों इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह ने। ताजा मामला जुड़ा है पवन सिंह के डांस मास्टर संजय कोरवे से, जिनके असिस्टेंट का बेटा कैंसर पीड़ित है, जिसका इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। इसी वजह से पैसों की थोड़ी सी तंगी आन पड़ी। पवन जैसे ही उस शख्स से मिले, पवन ने तुरंत उस शख्स को 50,000 रुपए का चेक दिया। और तो और, सुनने में आया है कि पवन सिंह ने आगे भी मदद करने की बात कही है। दरअसल क्रैक फाइटर के एक गाने की शूटिंग के दौरान ही पवन की मुलाकात संजय कोरवे से हुई, जहाँ संजय ने पवन को ये बात बताई। पवन सिंह ने जैसे ही ये खबर सुनी, उन्होंने तुरंत मदद करने का फैसला किया। वेल, जाते जाते बता दें कि पवन सिंह के क्रैक फाइटर की शूटिंग भी आखिरी चरण पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले पवन अपनी दरियादिली से सुर्खियां बटोर रहे हैं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खास खबरें जो कि इन दिनों चर्चे में हैं और हर कोई इन सभी खबरों पर बड़ी ही बारीकी से नजरें बनाए हुए हैं। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया।